डुबा 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 कहाँ हो डुबा डुबा? बालवीर, मैं यहाँ हूँ बालवीर है लड्डू। ये तो खाने की चीज होती है ना, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वो कहना दुनिया की कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ ना, तो देख के याद आ जाती है। समझे कि नहीं? समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कोई अपनी फेवरेट चीज को देखकर डर कैसे सकता है। मैं पृथ्वी लोक से दो स्पेशल लड्डू लाया, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अच्छा 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 अच्छा, इन्हीं लड्डुओं में जीवन का सारा सुख बसा है। उम्दा, बहुत उम्दा। वैसे डुबा डुबा, तुम पृथ्वी लोक पर और लड्डू खाने चलोगे? लड्डू के लिए मैं पृथ्वी लोक क्या, काल लोक जाने के लिए तैयार हूँ। समझे कि नहीं समझे? एक शर्त, तुम्हें धरती पर विवान बन के रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गया करुणा जी का घर? अरे यही तो था। ध्वनी परी, तुम्हें पता है मैंने ना जादू कर दिया है विवान के घर पे, जिससे कि उसका घर कोई देख नहीं पाएगा। ओहो मस्ती परी, ऐसे तो विवान के घर वालों को भी तकलीफ होगी, कोई काम का आदमी भी नहीं आ पाएगा। मस्ती परी, अभी के अभी इस जादू को उल्टा करो। अरे पर वायु परी, तुमको मस्ती परी करो। ठीक है, अरे ये क्या रहा? लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई। वैसे मुझे लगता है कि विवान के घर की सुरक्षा के लिए उसके अगल बगल हमें एक सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए, क्या कहती हो? हाँ चलो। इस कवच से अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति अब हमारे नए बालवीर को कहीं नहीं ले जा पाएगी। विवान अपने घर में अब सुरक्षित है। इससे अच्छा तो मेरा जादू था। नेत्रपरी होती ना, वो जरूर मेरा साथ देती। मतलब नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ कहाँ है? हम लोगों को लगा कि वो तुम्हारे साथ है। मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ होगी। मतलब रात भर नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं थी? गई है हैरान धरती लोग को, अब होगा बालवीर का सर्वनाश। इतने सारे डब्बे देकर आने हैं, इतना सारा काम पड़ा है, और आज धोबी भी नहीं आया, मेड भी नहीं आई, अखबार वाला भी नहीं आया है। इसीलिए कल के पुराने अखबार की बासी खबरें पढ़कर खुद को फ्रेश कर रहा हूँ। वैसे अखबार में आजकल खबरें भी सेम टू सेम आती हैं। अरे पापा जी, मुझे लगता है सारे के सारे हड़ताल पर चले गए। मेड को फोन करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे तू? मम्मी, मैंने सुना है इस मोहल्ले में एक और बड़ा सांप आ गया, उसे ही मारने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ओहो बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जा रहे तू। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तू सुधर गया है, तब तक तुझे इस घर से बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या स्कूल भी मेरे साथ ही चलोगे? हाँ हाँ चलूंगी, जरूरत पड़ी तो, वरना मैं चला जाऊंगा। इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। हाँ चल, अब जाके पढ़ाई कर और नाश्ता कर लेना। मम्मी को ज्यादा ही सर्दी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। काश कि मैंने इमोशन में बैठे इतना भारी कमिटमेंट ना कर दिया होता। अरे अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसे चुराएगी कैसे? भैरानी कहाँ चलेगी? ये भैरानी नहीं, हार मान के काल लोक तो नहीं चलेगी।
अरे नमस्ते मेम साहब। तुम कौन? मैं वो आपकी काम वाली बाई है ना, हल्का उसकी बेंजुल का, तो वो आ जाएगी नहीं काम के लिए, तो मेरे को भेजी काम करने के लिए। अरे बोलो नहीं, सुनो ये कौन सी बहन आ गई उसकी? अभी तक तो कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में उसने, और आज काम पे क्यों नहीं आई वो? अरे है ना, वो क्या है ना, इस घर में एक वो क्या नाम है उस लड़के का, विवान, उसके चक्कर में नहीं आई। वो उसके सर पे उसका बुखार चढ़ गया, और जब देखो सोती भी है तो बड़बड़ करती रहती है नींद में, बोलती है विवान फर्श मत गंदा कर, ए विवान कांच मत तोड़, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मेरे को भेजी काम करने वास्ते, बोली तू जाके काम कर, मैं आई। ठीक है ठीक है, तो तुम्हारा आज एक ही काम है, उसे देख लो, वो है मेरा फेमस विवान। हाँ, उस पे तुम्हें नजर रखनी है, कहीं भी घर से बाहर मत जाने देना उसे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, मैं ना मैं ख्याल रखेगी आपके बेटे का। हाँ, हेलो हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ आपके टिफिन, हाँ घर से निकल गई मैं। मेरी नजर तुझ पर से कभी हटेगी नहीं, क्योंकि तू ही बनाएगा मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भैरानी। तो, विवान बनके धरती लोग? नहीं, बालवीर मुझसे नहीं होगा, मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे? तुम्हें लड्डू और आइसक्रीम खाने की नहीं, और वो भी हर रोज, तब भी नहीं। लड्डू आइसक्रीम रोज, सही है, लेकिन बालवीर विवान के भेष में जाना जरूरी है क्या? ये मेरी शक्ल क्या बुरी है? पृथ्वी लोक पर बहुत गंदगी है, मैं डूबा डूबा को वहाँ फिर से नहीं जाने दूंगी, और बालवीर तुम भी मत जाओ वहाँ, हम सब यही साथ रहेंगे, खेलेंगे, मजे करेंगे। हाँ बालवीर, हम कितने दिनों से साथ में खेले नहीं है, मैंने सब हिसाब रखा है, 25 बार झूले झूलना, 22 बार लुका छुपी खेलना, 21 बार पेड़ों से फल तोड़ना, 30 बार वीरलोक की सैर करना, हिसाब मेरे पास भी है डुबा डुबा, मुझे भी तुम सबकी कमी महसूस होती है, लेकिन परीलोक के खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया है, भी पहले जैसा नहीं रहा, हर बीतते दिन के साथ मेरी शक्तियां कम होती जा रही है, हमें समय रहते विवान को वीर लोक लाकर उसका वीर स्थान करना ही होगा, और तब तक किसी को धरती लोक पर विवान का रूप लेकर रहना होगा, वरना उसकी मां को तकलीफ होगी। अगर ऐसा है बालवीर तो मैं चली जाती हूँ, मुझे विवान बना देना। की धरती की हवा तुम्हारे लिए जहरीली है, तुम वहां नहीं जा सकती, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। कि कहीं नहीं जाएगी, और कोई लड्डू भी नहीं चाहिए। मुझे अपने दोस्त का साथ देने के लिए कोई रिश्वत नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा पृथ्वीलोक, हम अपने बालवीर के लिए इतना भी नहीं कर सकते, बस एक बार वीर स्नान हो जाए, बालवीर की सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ, समझे कि नहीं समझे? मैं तुम तक इतनी आसानी से पहुंच जाऊंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये परियां खुद को जितनी चालाक समझती हैं उतनी बेवकूफ हैं। अरे विवान,
अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हेलो आंटी, मैं भी सलमान भाई का फैन हूँ और विवान भी सलमान भाई की तरह ना किसी से डरता है और ना ही किसी की सुनता है, सिवाय आई मी और माई सेल्फ के। वही तेवर वही आग, टिमनासा को तुम पसंद आए विवान। कुछ तो है इस घर में जो मुझे खटक रहा है। तो परियों ने इस घर को सुरक्षा कवच से घेरा हुआ है, लेकिन वीर लोग की नादान परियों, तुम तिमनासा को अपनी शक्ति से रोक नहीं सकती है। हेलो आंटी, क्या चुराने का सोच रहे हो? अरे चुराने की नहीं सोच रही बेटा, मैं तो चमकाने की सोच रही है। अरे तुम्हारी मम्मी बोल के गई ना कि तुम्हारा ख्याल रखना है, अब तुम्हारा ख्याल रखना है तो घर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, बस एक बार ये सुरक्षा कवच से विवान को बाहर ले आऊं और विवान हमेशा हमेशा के लिए मेरे शिकंजे में। एक मिनट, करुणा ने तुम्हें पास कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इम्तिहान में भी पास हो गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए अदरक डाल के एक मसालेदार चाय बना। जा। तू तिमनासा का इम्तिहान लेगा? दादाजी, दादाजी आप ठीक तो ना? अब अचानक कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगा है। अरे दादाजी, होता है, उम्र हो गई है ना आपकी, तो ऐसे लग जाते, गिर जाते कभी कभी। आप बैठिए, आराम करिए, आराम करिए, ठीक हो जाएगा। दादाजी मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी मम्मी ने बोला ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अकेले मत जाओ, मैं भी चलेगी। ठीक है, चलो चलो। आती है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो, बैंडेड उधर मिलेगी, दुकान उधर है। अरे विमान, चलो मेरे साथ, तुम्हारे दादाजी को दर्द हो रहा होगा। रास्ते से नहीं जाना है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप नहीं। मुझे पता है बैंडेड कहाँ से मिलेगी। और विवान भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और मुझे बच्चा समझने की भूल कभी मत करना। जाओ विवान, जाओ,
पर तुम ज्यादा देर तिमनासा के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हुक्म के गुलाम होंगे। कौन हो तुम और विवान को कहां ले जा रही थी? अंकल बैंडिट, आज तो पकड़ी गई बंगाली। नेत्रपरी, तुम विवान को कहां पे लेके जा रही थी? मैं तो बस विवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। बालवीर ने कहा था ना विवान पर नजर रखने के लिए। पर नेत्रपरी, नजरों के सामने रहे इसके लिए हम लोग रात भर नजर गड़ाए बैठे, तुम कहां पे थे? मैंने अपनी नेत्र शक्ति से काल लोक के लोगों को इस शहर पर उतरते हुए देखा। मैं रात भर काल लोक वालों पर नजर रखे हुए थी। चल छोटी कहीं की। बालवीर, काल लोक वालों का समाधान मेरे पास है। अरे अब ये कौन सा नया पैसा लेकर आया बालवीर? दिखने में तो गेंद लग रही है, गेंद फेंक के मारेगा क्या कालोक वालों को? बेवकूफ कहीं का। ये धरती लोक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। कालोक की बुरी शक्तियां इससे स्पर्श करते ही खत्म हो जाएंगी। के जाल में भैमार यहां होता तो ये देखकर हंस हंस के ही मर जाता। अरे ये तो बच गए। ये बालवीर है ना, हमेशा नकली माल देकर आता। नेत्रपरी, तुम इस धुएं से दूर क्यों भाग रही हो? ये काल लोक की बुरी शक्तियों के लिए था।
अरे ये तो मेरा ये भांडा फोड़ने के शुरू हुई है। मैंने वहां पर किसी को देखा, मुझे लगता है काल लोक से किसी ने अपन नजर रखी हुई है। आपने सही कहा था नेत्रपरी, कोई हम पर नजर रख रहा है। हम सबको और सतर्क रहना होगा। सुरक्षा कवच मान गए बालवीर, हुनरमंद तो तुम हो पर तुम तिमनासा को कम आंकने की भूल कर बैठे हो। बहुत मजा आने वाला है इस खेल में।